इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के दो दौरे की बैठक के बाद अब तस्वीर स्पष्ट होने लगी है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब के नेताओं को भी ये संकेत दे दिए हैं। पार्टी हाईकमान के सामने पंजाब कांग्रेस के नेताओं की एक भी नहीं चली। वहीं कांग्रेस ने सीटों को भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है ताकि जब सीट बंटवारे की बात आए तो वे अपना पक्ष रख सकें। पंजाब कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थे। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा सबसे ज़्यादा इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने तो पार्टी के मंच से ये भी कह दिया था कि वे आम आदमी पार्टी के नेताओं की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, जबकि प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़िंग इस मामले को लेकर शांत थे। राजावड़िंग ने दिल्ली में अधिकारियों के तबादले पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश का विरोध नहीं करने को लेकर आवाज़ बुलंद की थी, लेकिन बाद में वह भी हाईकमान के रुख को देखते हुए शांत हो गए थे। हालांकि भाजपा लगातार इसका विरोध करते रहे थे, लेकिन ना सिर्फ कांग्रेस ने अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी का साथ दिया बल्कि पंजाब और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के विरोध को नज़रअंदाज भी किया। इसी क्रम में दिल्ली में आपके साथ समझौता करने का विरोध करने वाले प्रदेश कांग्रेस अनिल चौधरी को हटाकर अरविंदर सिंह लवली को प्रदेश की कमान सौंप दी गई। माना जा रहा है कि दिल्ली में की गई कार्रवाई पंजाब के नेताओं को एक संकेत देना था। जानकारी के अनुसार हाईकमान ने पिछले दिनों प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़िंग और प्रताप सिंह भाजपा को भी समझौते के संकेत दे दिए थे, क्योंकि भाजपा कभी भी आपके साथ समझौते के हक में नहीं थे। इधर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कांग्रेस के साथ समझौते के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी स्तर या फॉर्मूले पर कोई बात नहीं हुई। हमने कांग्रेस से केवल दिल्ली ऑर्डिनेंस के लिए सहयोग मांगा था, जो मिला भी। राज्यसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी बिल के विरोध में विपक्ष को 100 से अधिक वोट पड़े हों। उन्होंने समर्थन किया और हमने INDIA का हिस्सा बन गए। माना जा रहा है कि कांग्रेस 6 और आम आदमी पार्टी पंजाब में 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप सारे जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।